आज लगभग 3 बजेतिर पश्चिम बङ्गालका राज्यपाल जगदीश धनखड खरसाङ मोटर स्ट्यान्ड भएर दार्जिलिङतर्फ लाग्दा तृणमूल कङ्ग्रेस खरसाङ टाउन कमिटीका सदस्यहरूले टाउन कमिटी अध्यक्ष आरिफ खानको अगुवाईमा राज्यपाललाई कालो झण्डा देखाए। यस अवधि हाम्रा संवाददाताले कालो झण्डा देखाउनुको कारण जान्न चाहँदा टाउन कमिटी प्रेसिडेन्ट खरसाङ महकुमा आरिफ खानले यसो भने। देखिए, आज हम लोग का बंगाल का अद्भुत ऐतिहासिक जो गवर्नर साहब आ रहा है उसके अगेंस्ट में हम लोग ब्लैक फ्लैग दिखाने के लिए यहाँ जितना भी तृणमूल का कैडर्स लोग है, नेतृत्व वर्ग है, वो सब बैठा हुआ है। देखिए, एक्चुअली हम लोग देश के संविधान को सिर के ऊपर में रख के काम करते, कोई भी काम हो इसी तरह हम अपना स्टेट का गवर्नर को भी सिर के ऊपर रखना चाहते थे, लेकिन वो एक्चुअली जो अभी का गवर्नर है वो कोई गवर्नर नहीं, हम लोग नहीं मानते उसको गवर्नर। ये एक तो नेशनल पार्टी का स्पोक पर्सन होके जो काम कर रहे हैं उसका नीति और विचार के अगेंस्ट में हम लोग एक्चुअली उसको ब्लैक फ्लैग दिखा रहे हैं। आप तो कौन कौन है यहाँ पर, मतलब पार्टी ना पार्टी का, तृणमूल पार्टी का जो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, यूथ का प्रेसिडेंट, सब मिलके हम लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं।